ये कौन सा प्लैनेट है? सिर्फ बेकार सा स्कॉटिश मौसम दिख रहा है। हाँ, लेकिन बेकार स्कॉटिश मौसम स्कॉटिश मूर्स पर साइटसीइंग के लिए परफेक्ट है। कौन मूर्स? स्कॉटिश के मशहूर रोलिंग हिल्स, घास और डरावने मौसम से ढके हुए, और हम उन पर हाइकिंग कर सकते हैं स्कॉर्तुआ तक। गले में किचकिच, देखा, इस मौसम ने तुम्हें बीमार कर दिया। हम अंदर ही रहते हैं और गेम्स खेलते हैं। स्कॉर्तुआ एक शिखर है जहाँ का नजारा कमाल है। हम स्कॉटिश शहर और गांव क्यों नहीं घूम सकते? शायद उनके पास कोई इंटरनेशनल सुमो स्लैमर्स फिगर हो। क्या तुम सिर्फ और सिर्फ सुमो स्लैमर्स के बारे में सोच सकते हो? नहीं नहीं, चलो साइट सीइंग करते हैं। ओ रुकिए, एक मिनट रुकिए, आपने अंदर छाता खोला? जानते नहीं ये बैड लक होता है? अब तो पक्का कुछ ना कुछ बुरा होगा। बहुत बुरा हुआ, पर मैं बारिश में बहुत सारी हाइकिंग करना चाहता था। वैसे यहाँ की बस्ती में देखने और घूमने लायक बहुत कुछ है। ओ कम ऑन बेन, ऐसे कुदरत के करिश्मों का तजुर्बा लेने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। मुझे पसंद है अपना कंफर्ट जोन, अकेले घूमते हुए मजे करना, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, मूर्स में से स्कॉर्तुआ मशहूर चीज नहीं है। क्या मतलब है? यहाँ रूप बदलने वाले केल्पीज और भूतिया शिकारी हर्ल और शैतानी कुत्ता ब्लैक शार्क भी है। मजे करना। केल्पीज, भूतिया शिकारी हर्ल, ब्लैक शार्क। हाँ, कुछ लोग तो दलदल के पास भी घूमना पसंद करते हैं। लगता है जादुई स्कर्टूत से कोई बच नहीं सकता। नहीं, स्कर्टुआ। स्कर्टुआ। ये थोड़ा बेहतर था। ये वॉच कुछ अजीब हरकत कर रहा है। इस शानदार स्कॉटिश मौसम की एक और खूबी होगी। तो अब वॉच से ध्यान हटाओ और इन खूबसूरत नजारों के मजे लो। खूबसूरत नजारे? यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये कोहरा इसे भयानक नहीं बन सकता। वहाँ देखो, एक वोल्केनिक ग्लेन। वाह, ढेर सारी घास, ये सब कहाँ देखने को मिलती है? एक शानदार चमचमाती झील। ये तो बड़ा गड्ढा लगता है। देखो बेन, एक ऐतिहासिक जंग का मैदान। ओके चलो, जब नजारे ही नहीं देख सकते तो साइट सीइंग का क्या फायदा? सब कोहरे में ढका है। हाँ, लेकिन ये स्कॉटिश कोहरा है। हाँ, पता नहीं ग्वेन, मौसम बिगड़ता जा रहा है। बेन ठीक कहता है, हमें वापस जाना चाहिए। सब ठीक होगा ग्रैंडपा। फॉग मॉन्स्टर है। फॉग? ओके, इसे कैसे हराना है? वही करो जो पिछली बार किया था। वो मुझे याद नहीं। क्या वो ओके, फॉग जैसे मुंह वाले? चलो तुम्हें ओवरफ्लो का एक्शन दिखाता हूँ। चलो चलो, ओवरफ्लो कहाँ हो तुम? बेन ध्यान से। हाँ? आज के लिए इतना एडवेंचर काफी है। कोई आइडियाज बेन? वेल, पिछली बार ओवरफ्लो यूज किया था, इस बार तो दिख नहीं रहा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारे पीछे स्कॉटलैंड आ गया। वेल, हमें कुछ तो सोचना होगा। बस वो मोटा सा धुआं मेरे चौपर से दूर रहे। रुको, मैप के मुताबिक मुझे एक गुफा मिली है। अच्छी बात है ग्वेन। मतलब एक गुफा जहाँ हम छुप सकते हैं। यहाँ से आधा मील दूर, बस वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हें कुछ मिला बेन? कोशिश कर रहा हूँ ग्रैंडपा, देखते हैं शायद कुछ। ह्यूमंगसॉर। ह्यूमंगसॉर? क्या ये तुमने बनाया है? एक छोटी सी बच्ची ने बनाया था। ये कमाल का है और हमारी जान बचा सकता है। मेरी पूंछ उसके आर पार कैसे जा सकती है? वो क्या था? उसकी पूंछ से कोई सोनिक ब्लास्ट हुआ है। जल्दी गाइस बैठ जाओ। ये फॉग मॉन्स्टर तुम्हारे बनावटी शैतानों से भी डरावना है। वो सब बनावटी नहीं है। वो सामने तुम्हारी वाली गुफा है क्या? रुक जाओ गाइस, मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। जल्दी करो ह्यूमंगसॉर। क्या
हम बच गए? कह नहीं सकते, पर यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते। हमें उस चीज को हराना होगा। लेकिन बिना शरीर वाले को हराओगे कैसे? वैसे ह्यूमंगस और फॉग को बिजी रख सकता है जब हम चुपचाप जाकर ले आएंगे हमारा चॉपर। हमें पता है चॉपर आपकी जान है। टाइम आउट होने से पहले हमें अपना काम करना होगा। खैर अगर बात नहीं बनी तो हम स्कॉटिश कहानियों के नए मशहूर भूत बन जाएंगे। ठीक है चलो ये करते हैं। मैं ज्यादा देर तक ह्यूमंगस और बनकर नहीं रह पाऊंगा। तुम कर लोगे बेन। ठीक है। ए, सुनो बेकार बदबूदार बादल, मैं इधर हूँ। सोनिक अटैक। ये क्या? इस हमले को कामयाब करने के लिए मुझे एक मजबूत पत्थर चाहिए। ए, मैं यहाँ हूँ मोटे गुब्बारे। बादल, क्या बात है, काम हो गया। इसके बाद कभी फंगस लगे पत्थर को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे ये क्या, ये तो गीला हो गया। घटिया गीला दलदल, इसमें तो चलना भी मुश्किल है। मैंने क्या बिगाड़ा है? गीली पैंट वाले पर कोई हमला करता है क्या? हे भाई, देख आ गया मदद करने। स्कोर धुआ देखने जा सकेंगे। क्या, ये बहुत भयानक है। यह देखने जैसा क्या है? तुम्हारे पिछवाड़े को क्या हुआ? नीचे जमीन गीली थी। ओ, कुछ तो हमारी रफ्तार कम कर रहा है। अरे ये क्या, घबराओ मत बच्चों, ये बेबी ऐसे ही चीजों के लिए बना है। देखते हैं फॉग इसे कैसे संभालता है। लगता है फॉग इस पर भारी पड़ रहा है। हे बच्चों, चॉपर को बचाने के लिए जो भी करना है करो। ओह हाँ, वो एनर्जी से आकर्षित है। अब तक रिचार्ज नहीं हुआ, वो इंजन की तरफ गया। चलो फिर से उसे लाइट के जरिए इवेपोरेट करें। मैं चॉपर का अल्ट्रा ब्राइट स्पॉटलाइट ऑन कर देता हूँ। ये बेबी क्या नहीं कर सकता। दरअसल इसे इवेपोरेट करने के लिए हमें धूप की जरूरत पड़ेगी, पर उसकी आंखें चौंधिया जरूर गई थी। हाँ, वो अपना काला चश्मा लेने जाएगा, तब हम यहाँ से निकल लेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा बेन। ओके, तो फिर प्लान बी, देखते हैं क्या मिलता है। देखते हैं क्या वो ये लाइट ट्रायंगल कर सकता है। आई होप बात बन जाए, क्योंकि मैं चॉपर को खोना हैंडल नहीं कर पाऊंगा। छुट्टी मिल गई। कमाल कर दिया। अब चलो यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। तूफान भी बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ाइए। ओह, लगता है वो और गुस्से में लौटा है। इंजन्स। लेट्स सी। तुम्हें पावर चाहिए? देता हूँ मैं तुम्हें पावर। कोई फायदा नहीं। मेरा चॉपर ये संभाल नहीं पा रहा है। बेन, तुम क्या कर रहे हो? इंजन्स बंद पड़ते जा रहे हैं। बेन नहीं, तुम हमें तबाह कर दोगे। Come on, Scottish weather! Yeah! Must be Corporal Sanchatka! आई होप कोरे ने तुम्हें चोट नहीं पहुंची। मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा। बढ़िया, ये अच्छी बात है ग्वेन। जिंदा हूँ। सोचा नहीं था कभी कहूँगा, लेकिन मुझे स्कॉटिश मौसम पसंद है। मैं हार गया, ये नजारा काफी खूबसूरत है। तुमने कैसे जाना कि लाइटनिंग रॉड से काम बन जाएगा?
मुझे पता था उसे पावर पसंद है और मैंने उसे ओवर पावर कर दिया। पता है तुम इलेक्ट्रोलिसिस ट्रिगर कर रहे थे जिससे मॉलिक्यूल्स एटम्स बन गए। बिल्कुल पता था, साइंस। अब चलो स्कूल घूम आते हैं। मेरे हिसाब से उसका नाम है स्कॉर्टुआ बेन। नहीं नहीं, वो है स्कोर। आर को रोल कीजिए। गाइस नजारा। बेन सही कहता है, ये इतना खूबसूरत है जैसे दो सिंक्रोनाइज ट्विन प्रोपेलर इंजन पावर। बस कीजिए। ये कह रहा हूँ कि बेहद कमाल की मशीन है।